हेलो दोस्तों, एनबीटी लाइफ में मैं तनप्रीत आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जब विमेंस डे की हम बात करते हैं और हम विमेंस डे को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो विमेन की हेल्थ बहुत मैटर करती है और आजकल के बिजी लाइफस्टाइल के कारण महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाती, जिसके कारण उन्हें सिर दर्द, थकान, कमजोरी ऐसी समस्याएं होने लगती हैं। महिलाओं को कमजोरी पर चक्कर भी आ सकते हैं। इसके अलावा किसी विटामिन की कमी, थकान, नींद न पूरी होने के कारण या फिर किसी गंभीर बीमारी के कारण भी चक्कर आने लगते हैं। यदि बार बार महिलाओं को ऐसे वीकनेस का सामना करना पड़ रहा है, तो इस समस्या को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो आपको आज बताएंगे कि अगर महिलाओं को वीकनेस हो रही है या चक्कर आ रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो वो क्यों होती है। तो सबसे पहले उसका रीजन हो सकता है ब्लड प्रेशर कम होना। ज्यादा काम करने के कारण कई बार महिलाओं का ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ सकते हैं। चक्कर आने पर आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, कुछ समय के लिए बेहोशी हो जाएगी और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। यदि आपको काफी समय से लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको चक्कर आने की समस्या बढ़ सकती है और आपको इसके लिए नमक वाले पानी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी भी दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है हीमोग्लोबिन की कमी होना। हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी होने के कारण भी कई बार वीकनेस आती है। खासकर महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन आपके खून को ऑक्सीजन देने का काम करता है। खून में इसकी कमी होने के कारण भी महिलाएं एनीमिया का शिकार होती है। रूटीन में आयरन की कमी के कारण प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग होने के कारण महिलाओं के शरीर में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आपको सिरदर्द, कमजोरी, थकान ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इसकी कमी को पूरा करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर, अंडे, ड्राई फ्रूट्स इन सब का सेवन जरूर करना चाहिए। तीसरा कारण हो सकता है वीकनेस का विटामिन B12, स्पेसिफिकली इसकी कमी होना। प्रेग्नेंट और स्तनपान करवाने के कारण महिलाओं के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इस समस्या में आपको शारीरिक कमजोरी, कम भूख लगना, कॉन्स्टिपेशन, थकान ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा मुंह में छाले पड़ना, स्किन में पीलापन होना और चलने में कमजोरी होना, ये भी इसके लक्षण माने जाते हैं और जिसकी वजह से आपको चक्कर भी आ सकते हैं। आप एनिमल प्रोडक्ट्स या डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको आपको रूटीन में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो चौथा कारण है वो है माइग्रेन जैसी समस्या। माइग्रेन के कारण भी आपको चक्कर आ सकते हैं। इसमें आपको तेज सिरदर्द होना, उल्टी, मितली ऐसी जैसी समस्या होना। खासकर महिलाओं को ये समस्या हॉर्मोन्स इम्बैलेंस के कारण भी होती है। माइग्रेन से बचने के लिए आपको लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने चाहिए। दिन में रोज 10 से 12 गिलास पहले तो पानी पिए, चाय कॉफी का सेवन एकदम कम कर दें, ज्यादा मिर्च वाला खाना ना खाएं, रोजाना सैर की आदत डालें, डाइट में छाछ, सूप, नारियल पानी इन सब का सेवन जरूर करें। अगला कारण जो है वीकनेस का, वो हो सकता है कान में इन्फेक्शन होना। यदि आपके कान में किसी तरीके की चोट लगी है, तो कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, लेकिन आपको इसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस समस्या को वर्टिगो भी कई बार कहते हैं। पहले कई बार ये आपको थोड़े समय के लिए होती है और फिर ये ज्यादा देर के लिए भी हो सकती है। वर्टिगो में आपके चेहरे पर पसीना आना, कमजोरी महसूस होना, बहुत ज्यादा सिरदर्द होना ऐसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। महिलाओं को हार्मोनल बदलाव से हमेशा ही गुजरना पड़ता है। इस समय ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में जो बदलाव होते हैं, वो कमजोरी का मुख्य कारण बन जाते हैं। इस समय हार्मोन में होने वाले परिवर्तन की वजह से महिलाओं में एनर्जी लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से आपको थकान होने लगती है। अब हमने ये तो जान लिया कि विमेन को किन किन वजहों से वीकनेस आ सकती है, लेकिन इन वीकनेस से हम ठीक कैसे करें, वो भी हमने आपको बेसिक बताया। कुछ और बेसिक चीजें हैं जो आपको बताते हैं। आप इसके लिए डाइट में कुछ पोषण युक्त जो खाना है आप वो कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, खाली पेट ना करें। आप अच्छा हेल्दी खाना खाएं, जिसमें आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। आप मल्टीविटामिन का सेवन कर सकते हैं, डॉक्टर से ले सकते हैं। आप सीड्स का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जो भी विमेन कमजोरी का शिकार बहुत ज़्यादा फील करती है, तो आपको ऐसा नहीं है कि अपनी कमजोरी के लिए डॉक्टर के पास जाने की ही ज़रूरत पड़ेगी। आप बहुत
बहुत इजीली घर पे ही आराम से अपने आप को ठीक कर सकती हैं। तो इस विमेंस डे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, आप रेजोल्यूशन ले लीजिए और आपको ये करना है। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।